हरे कृष्णा। सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और राधा कुंज बिहारी गौर निताई, राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन बालाजी भगवान को दंडवत प्रणाम। परंपरा के सारे आचार्यों को भी दंडवत प्रणाम। तो हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय के 231वें नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। 230 हमने कर लिया था। तो इस में अभी हम देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और उनके अवतरित होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल था समझना, पर फिर भी कुछ भक्त इसको देख रहे हैं लगातार, तो इसलिए मैं उनके उनके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत दिनों से मैंने लिया नहीं चैतन्य चरितामृत। तो राइटर कहते हैं, ए सब सिद्धांत गूढ़ कहिते ना जुआए, ना कोहिले के हो इहार अंत नाहीं पाए। तो इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है। ये खुद कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये जो सिद्धांत है राधा रानी कृष्ण उनका प्रेम और चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना, जो कृष्ण थे राधा रानी के भाव में, तो ये साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको बताना भी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। पर फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सारे भक्तों के अनुरोध पर ये ग्रंथ लिखे। किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी समझ नहीं पाता। तो सारे भक्त नहीं समझेंगे, या जो भक्त नहीं है वो कुछ गलत भी वर्णन कर सकते हैं इसका, पर जो भक्त हैं उन्हें भी समझाना आवश्यक था, इसलिए ये ग्रंथ लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो इसलिए कह रहे हैं ये कि मैं सिर्फ इसका सार प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो समझ लें किंतु मूर्ख नहीं समझ सके। रसिक भक्त समझ लेंगे लेकिन मूर्ख नहीं समझ सकेंगे, ऐसा खुद कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कि रसिक रसिक किसे कहते हैं? जो भगवान से प्रेम करते हैं कोई ना कोई रस में, और खास करके माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में, उन्हें रसिक भक्त कहा जाता है। तो रसिक भक्त समझ जाएंगे लेकिन जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाएंगे। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वो इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर अत्यंत आनंदित होगा। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है ये बहुत ऊंचे लेवल का है। पहले तो व्यक्ति भगवान को ही नहीं मानते हैं। जब मानते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो कहते हैं कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, वो फिर भगवान के अनेकों रूपों में से किसी किसी रूप से आकर्षित होते हैं, या तो हर रूप की पूजा करते हैं। आज मेरे पास एक भक्त आए थे, भक्त यानी साधारण व्यक्ति आए थे जो कहते हैं अपने आप को मैं भक्त हूँ, वैसे वैसे भक्त थे। तो वो बता रहे थे कि मैं गणपति जी के यहाँ जाता हूँ, मैं दुर्गा माता के मंदिर में जाता हूँ, मैं कृष्ण मंदिर में जाता हूँ, मैं राम मंदिर में जाता हूँ, मैं हनुमान मंदिर में जाता हूँ। सारे मंदिरों का नाम वो गिना रहे थे कि मैं कितनी बार किस किस मंदिर में गया हूँ। तो इस प्रकार के बहुत सारे भक्त होते हैं। ज्यादातर भक्त इसी प्रकार के होते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर उनको लगता है सब भगवान है, सबके पास हमको जाके थोड़ा थोड़ा प्रणाम करना चाहिए, या सबका उपवास करना चाहिए, या उनको कुछ चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो एकदम ऊंचे कोटि के भक्त हैं, वो रामचंद्र जी या कृष्ण या लक्ष्मी नारायण किसी एक के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं और उन शास्त्रों में से जब आप किसी खास रूप की पूजा करते हैं तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो कृष्ण के भक्त हैं
उसमें से जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो चैतन्य चरतामृत को पढ़ते हैं, पर गौड़ीय वैष्णव जो नहीं भी हैं और कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं वो भी पढ़ते हैं। मैंने रामानंदी संप्रदाय के आचार्य को भी चैतन्य चरतामृत के ऊपर बोलते देखा है, जो रामचंद्र जी के भक्त हैं वो भी। तो जो भक्त हैं वो सबका सम्मान करते हैं और हर रूप में एक रस होता है उस लीला में, उसको वो एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्त को रामलीला में आनंद नहीं आता है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्त को रामलीला में भी आनंद आता है। कृष्ण भक्त को यदि लक्ष्मी नारायण की कुछ बातें हो रही है जिसमें बहुत दोनों के बीच में प्रेम पूर्ण वातावरण है, कुछ लीला चल रही है, जैसे हम देखते हैं साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, तो उनकी भी लीलाएं होती हैं, तो वो लीला को भी एंजॉय करते हैं। तो रसिक भक्त उसे कहते हैं जो रस में रह, रस को रस में रहते हैं और रस को रस का स्वाद लेते हैं। एंजॉय करने का मतलब रस का स्वाद लेते हैं, तो रसिक भक्त समझेंगे। इसलिए जो तर्क करने वाले भक्त हैं, जो अभी तक इसी अंधकार में है कि भगवान है कि नहीं है, और यदि भगवान है तो वो खुद नहीं मानेंगे किसी रूप को और दूसरे के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठाएंगे, वो चैतन्य चरतामृत को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो उनके सामने कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिए हैं वो बहुत खुश होंगे। यदि आपने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण किया है तो आपको ये ग्रंथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारे सिद्धांत आम की नई कोपलों के समान है, ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। कितना सुंदर भाषा में वर्णन किया है, अलंकार के बोलते हैं इस हिंदी में, अलंकार के साथ और सजा हुआ, कि जैसे आम आम का वृक्ष होता है तो आम का जब सीजन आता है, आम के पहले, आम का जो मंजर लगता है उसके पहले, उसके बहुत कोमल कोमल पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं और वो बहुत कोमल होते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और नए जो आम होते हैं ना वृक्ष में, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, कच्चे आम के जो नए नए होते हैं। उस समय आम के बगीचे से गुजरिएगा जब नए कोपल बोलते हैं वो उत्पन्न हुए हैं या मंजर उत्पन्न हुए हैं, उस बगीचे से गुजरिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो कोयल जो होते हैं ना वो उस समय बहुत खुश होते हैं, कोकिला कोयल जिसको जो भी आप कहें, तो उस खुशी के कारण वो कू 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 हमेशा करते रहती है कोयल। तो कोयल से तुलना किया है इन्होंने भक्तों की, और ये सारे सिद्धांत जो है चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया कि भगवान क्यों प्रकट हुए, राधा रानी के भाव को लेके भगवान क्यों प्रकट हुए, उसके तीन मुख्य कारण बताए गए, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है आपको। तो ये सारे सिद्धांतों की तुलना कर रहे हैं आचार्य हमारे आम के नए नए पल्लव के साथ, जिसको कोपल कहा जाता है। आम के पत्ते जो नए हैं बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश येलोइश ऐसा कलर रहता है उसका, डार्क ग्रीन नहीं रहता है, हरा नहीं रहता, हरा से थोड़ा सा अलग रहता है, और खुशबूदार और बहुत कोमल होते हैं। तो ये है सिद्धांत, ये सिद्धांत हो गया कोपल और भक्त हो गए कोयल। तो जैसे कोयल को बहुत अच्छा लगता है आम के पल्लव को सूंघना या वहाँ बैठना या उस जगह जो भी वातावरण है उसको उसको उसका रस लेना, उसको एंजॉय करना, कोयल को बहुत अच्छा लगता है। और खुशी में कोयल कुकू करती है, जैसे मोर खुशी में नाचता है,
जब बारिश होने वाली रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, हवा चलती है, तो मोर नाचने लगता है, मोर मोरनी जो भी है। इसी प्रकार कोयल कू कू करता है, इसी प्रकार भक्त भगवान की इन लीलाओं को जब सुनते हैं तो कोयल की तरह बहुत खुश होते हैं, मोर की तरह बहुत खुश होते हैं। आपको समझ में आ गई बात? क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य? ऊंट सदृश अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, आपको लगेगा कि माता जी क्या चर्चा लेके बैठ गई हैं। कुछ भक्त कहते हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, इसको ज्यादा विस्तार पूर्वक मत बोलिए, भक्त अभक्त ये सब हमको सुनना नहीं, हमको सिर्फ कथा सुननी है। अब आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, आचार्य ही कह रहे हैं, भक्त किसे कहते हैं, अभक्त किसे कहते हैं। भक्त को एंजॉय कर अच्छा लगता है, भक्त आनंदित होते हैं, अभक्त आनंदित नहीं होते। यहां अभक्त की तुलना कर रहे हैं ऊंट से, कि ऊंट जैसे जैसे जो अभक्त होते हैं वो इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता। इसलिए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? ऊंट जैसे अभक्त इसमें घुस ही नहीं पाएंगे, इसके आनंद को ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवेश ही नहीं है उनका इसमें। ये आचार्य कह रहे हैं, लेकिन भक्तों का प्रवेश है इसके अंदर। तो देखिए, चैतन्य चरतामृत में जो आनंद है वो सिर्फ भक्त ले सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो नहीं ले सकते हैं। इसको इन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया है। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती। कह रहे हैं कि उनके डर से मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभक्तों को बोलना नहीं है हमें। अभक्तों के सामने इतनी गूढ़ बातें राधा और कृष्ण के बारे में, या चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव हैं, भाव में आए हैं, उनके बारे में बताना भक्तों को अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु के बारे में बताना कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अच्छा नहीं लगता, बताना नहीं चाहते। इसीलिए यदि वो नहीं समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है, ऐसा इनका कहना है। आप पढ़ लीजिएगा, 30 नंबर 230 के आगे ये सब लिखा है। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी हिचक के कहूंगा कि अच्छी बात है, अभक्त इसमें घुस नहीं पाएंगे और भक्त को तो अच्छा ही लगता है। तो चलो मैं अभी बताता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण, अभी सुनिए, बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। देखिए, ये सब जो आचार्य हैं ना, ये अपने मन से कुछ नहीं बताते हैं, इनको भगवान दर्शन देते हैं, इनके साथ भगवान बातें करते हैं, सब कुछ रोज ऐसे आंखों से लीलाओं को देखते रहते हैं। कई आचार्यों के बारे में मैंने आप लोगों को ऑडियो में बताया है टेलीग्राम के ऊपर, उनको सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये भक्त कैसे लिखते होंगे ग्रंथ। तो कह रहे हैं अभी कैसे कैसे हुआ, देखिए सुनिए। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि सारे लोग कहते हैं मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। कृष्ण सोच रहे हैं ये बात, कृष्ण बैठे हैं और सोच रहे हैं कि सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद से पूर्ण हूँ, मैं रसों से पूर्ण हूँ, सारा संसार मुझी से आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे मुझे आनंद दे सके? तो भगवान को आनंद मिलता है, भगवान भगवान से आनंद मिलता है सबको, क्योंकि भगवान रस राज है, भगवान आनंद से पूर्ण है, तो आनंद वहीं से सब जगह जाता है, कृष्ण से ही आनंद निकल के सबको मिलता है, चाहे वो शिव जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे गणपति हों, चाहे दुर्गा माता हों, चाहे हमारे जैसे तुच्छ जीव हों, सबको भगवान कृष्ण से आनंद मिलता है। कृष्ण आनंद के खान है, वहां से एक एक करके हर व्यक्ति के पास आनंद पहुंचता है, और तब हर व्यक्ति थोड़ा छोटे बड़े मात्रा में आनंद भोग करता है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं
कि सारी दुनिया कहती है कि मैं आनंद देने वाला हूँ, मैं आनंद का स्रोत हूँ, ऐसा कोई है जो मुझे आनंद दे? ऐसा सोच रहे हैं भगवान कृष्ण, जिसमें मुझसे सैकड़ों गुने अधिक गुण हो वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। सोच रहे हैं भगवान, कौन मुझे खुशी देगा? तो जिसके अंदर मेरे से 100 गुना ज्यादा आनंद हो, गुण हो, वो मुझे खुशी दे सकेगा। हम किसको देखकर खुश होते हैं? हम उसको देखकर खुश होते हैं जिसमें कुछ हमें अच्छा नजर आता है। जैसे बहुत सुंदर कोई लड़की है, उसको देख के सबको खुशी मिलती है। बहुत सुंदर लड़की जा रही है रास्ते से, आपकी कोई लगती नहीं है वो। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब पलट पलट के उसको देखेगा, अरे इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, जो बहुत खूबसूरत, यानी कि खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। फिर कोई बहुत पैसा वाला है, ये भी आकर्षित करता है। किसी में बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नाचता है, वो भी आपको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हमें आनंद प्रदान करती है, हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे से 100 गुना ज़्यादा जिसमें गुण होगा वो मुझे आकर्षित करेगा। हम भी किससे आकर्षित होते हैं? जिसमें हम देखते हैं मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरे से ज़्यादा पैसा वाला है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान है, मेरे से ज़्यादा अच्छा कुछ भी गाना, नृत्य या कुछ ऐसा कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, तो हम खुश हो जाते हैं, हम सुनते हैं। तो मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में ढूंढ पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उसकी उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सकती है। तो भगवान को पता चल गया कि कौन है जो मुझे आनंद दे सकता है। तो भगवान कहते हैं और दुनिया में कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो मुझे आनंद दे सकती हैं, वो कौन है? राधा रानी, वही एकमात्र है जिससे मुझे आनंद मिल सकता है, और बाकी इस जगत में तो संभव नहीं है कि मुझे और किसी से आनंद मिलेगा। दे सकती हैं। तो यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय और अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान को पता है कि कामदेव कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, पर भगवान ये भी जानते हैं कि मेरी जो खूबसूरती है, कृष्ण की जो खूबसूरती है, वो कामदेवों को भी पराजित कर देती है। कामदेव भी सोचने लग जाते हैं, अरे इतने खूबसूरत हैं भगवान, वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान की सुंदरता को देखकर। एक नहीं, करोड़ों कामदेव, मतलब करोड़ों कामदेव नहीं हैं, जितने खूबसूरत हैं कामदेव जी, उसमें 1 करोड़ गुना अगर ज़्यादा खूबसूरती डाल दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत भगवान कृष्ण है, ये इसका अर्थ हुआ। इसीलिए क्या, करोड़ों कामदेवों को पराजित करने वाली कृष्ण की खूबसूरती है। परंतु कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं, कहीं भी राधा रानी कुछ लीला कर रही हैं या झूले पे झूल रही हैं या कोई सेवा कर रही है या नाच रही है, गा रही है, भगवान के लिए कुकिंग कर रही है, कुछ भी करती हैं राधा रानी, और यदि भगवान वहाँ नज़दीक हैं तो भगवान बहुत आकर्षित हो जाते हैं राधा रानी से। और यदि राधा रानी नाराज़ हो जाती हैं तो भगवान सोचते हैं क्या करूं जो राधा रानी मान जाए वापस। तो ललिता, विशाखा और जितनी भी सखियाँ हैं, उन सारी सखियों के मदद से भगवान राधा रानी को मनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राधा रानी के बिना भगवान को एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि कैसे भी राधा रानी खुश हो जाए, मान जाए, और फिर राधा रानी जब मान जाती हैं तो भगवान के हृदय को बहुत ठंडक प्राप्त होती है।
क्योंकि राधा रानी उनको बहुत आनंद देती है। इसलिए राधा रानी को कहा जाता है भगवान की आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद का मतलब होता है आनंद। इसीलिए प्रहलाद का नाम क्या था? प्रहलाद। प्रहलाद जो वो भी कुछ आह्लाद से संबंधित है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो राधा रानी भी आह्लाद देती हैं, यानी कि प्रहलाद महाराज शायद नरसिंह भगवान को आह्लाद देते थे, कुछ कुछ ऐसा पढ़ा है मैंने। तो राधा रानी आह्लाद देती हैं किसको? भगवान कृष्ण को। तो राधा रानी आह्लादिनी शक्ति कहलाती है भगवान की। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोकों को आकर्षित करती हैं, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। भगवान की बांसुरी सबको सबको खींच लेती हैं, आकर्षित करती हैं भगवान की बांसुरी। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो छोटे से कोई छोटा कोई जीव हो, वो सब भगवान के बांसुरी के धुन से आकर्षित हो जाते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि गोपियां काम के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकी, भगवान के लिए उनके हृदय में काम था। तो मुझे आज एक बात समझ में आई, क्योंकि मैंने वेणु गीत के ऊपर एक लेक्चर दिया है अभी थोड़े समय पहले। तो भगवान जब वेणु बजाते हैं तो वेणु की जो मधुर ध्वनि निकलती है, तो सारी गोपियाँ उस ध्वनि को सुन करके जैसे थीं, जिस अवस्था में थीं, उसी अवस्था में वो अपने कार्य को छोड़ के मन से भगवान के पास पहुँच जाती हैं। कभी कभी गोपियाँ दौड़ के भी, शरीर से भी भगवान के पास पहुँच जाती हैं, और कभी नहीं जा पाती हैं तो मन से पहुँच जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या आकर्षण है होगा, हम लोग तो कभी सुने नहीं है भगवान की बांसुरी, पर कैसा आकर्षण होगा। थोड़ा बहुत भगवान के